आई नो इट कैन बी मोर टेम्पटिंग टू ट्राई ईच एंड एवरी स्किन केयर DIY दैट हिट्स द मार्केट, बट कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन में पॉजिटिव रिजल्ट देने से ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे देते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू द थिंग्स यू शुड नेवर अप्लाई इट ऑन योर फेस. सो द फर्स्ट अप इज लेमन जूस. वैसे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ड्रिंक में फ्लेवर ऐड करने का, पर लेमन जूस आपके फेस पे लगाना कैन मेक योर स्किन इवन सेंसिटिव टू द सन, एंड उसकी वजह से आपको सनबर्न एंड इरिटेशन वगैरह हो सकती है, एंड स्पेशली इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन टाइप. मैंने देखा है बहुत लोग DIY फेस मास्क में इसको यूज करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ लेमन जूस यू कैन ऐड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और एप्पल साइडर विनेगर. तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट प्लीज आप लेमन जूस को अवॉइड करें. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल. आई नो दैट द कोकोनट ऑयल इज वेरी कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट एंड स्पेशली इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी, बट आई डोंट थिंक ये सबकी बेस्ट चॉइस होगी बिकॉज कोकोनट ऑयल इज हाईली कॉमेडोजेनिक, मीनिंग कि आपके जो पोर्स होते हैं फेस पे वो उनको क्लॉग्ड कर देता है एंड उसकी वजह से आपके क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इट विल लीड टू द ब्रेकआउट्स, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हो सकता है कि वो आपको एज अ मॉइस्चराइजर लग रहा हो, बट उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं उसकी वजह से वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, एंड उसकी वजह से वो हाइड्रेट करने की जगह हमारी स्किन को बहुत ही ग्रीजी एंड ऑयली टाइप बना देता है. एंड सेम गोज विद आवर स्कैल्प. अगर आप स्कैल्प में भी एज अ हेयर ऑयल आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो आपकी स्कैल्प में भी वो बिल्डअप कर देगा, एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ब्रीदिंग, एंड उसकी वजह से फिर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है. इसकी जगह बहुत सारे अल्टरनेटिव हेयर ऑयल्स हैं जो आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, एंड इसी के रिलेटेड मैंने एक हेयर केयर वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, तो वो जरूर से आप चेक कर लेना. जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ DIY जिसमें वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बेकिंग सोडा ऐड करें, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है एकदम वाइट एंड ब्राइट हो जाएगी, एक ही दिन में सारा टैनिंग वगैरह हट जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस. बेकिंग सोडा है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श है, एंड बेकिंग सोडा यूज करने से जो हमारा नेचुरल pH बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, विच लीड टू द इरिटेशन, रेडनेस एंड इवन द परमानेंट स्किन डैमेज, एंड इवन ये आपकी स्किन बैरियर को भी बिगाड़ देता है. हमारी स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम स्किन बैरियर बोलते हैं, एंड बेकिंग सोडा यूज करने से जो वो हमारी फेस की लेयर है वो हट जाती है, एंड इट विल लीव योर स्किन वल्नरेबल एंड प्रोन टू इश्यूज. बेकिंग सोडा की जगह आप जेंटल एक्सफोलिएटर्स यूज कर सकते हैं लाइक कॉफी शुगर, एंड उसको भी प्लीज आप जेंटली यूज करें. जो नेक्स्ट चीज है वो है यूजिंग बार सोप. जो बार सोप होते हैं उसपे भी बहुत ही ज्यादा हार्श इंग्रेडिएंट होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल है उसको वो हटा देते हैं, साथ ही में आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड इरिटेटेड भी कर देगा, एंड हो सकता है कि आपके ब्रेकआउट्स भी हो जाए, एंड साथ ही में बार सोप यूज करने से आपका स्किन बैरियर भी बिगड़ जाता है, एंड स्किन बैरियर बिगड़ने से मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में मेंशन कर दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो आप बार सोप ना यूज करके हमेशा जेंटल क्लेंजर ही यूज करें अपने फेस पे. तो फिफ्थ प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, एंड मैंने बहुत सारी DIY स्किन केयर हैक्स वगैरह में देखा है कि जब भी आपके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आप उसमें टूथपेस्ट लगाएं, बट क्या आपने उसकी कभी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी है कि उसमें कितने ज्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं लाइक मेंथॉल, एंड ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक्चुअली में आपके जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है उसको सारा स्ट्रिप आउट कर देते हैं, एंड इसकी वजह से आपको स्किन बर्न भी हो सकता है. तो आप प्लीज टूथपेस्ट को तो बिल्कुल भी अपनी स्किन पे मत लगाना, एंड अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. तो जो नेक्स्ट चीज है वो है ग्लू, एंड इसको भी मैंने स्किन केयर वगैरह हैक्स में ही देखा था कि आपके अगर व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स वगैरह जब हो जाते हैं ग्लू की वजह से वो सब हटा सकते हैं, एंड ग्लू को अपनी स्किन पे लगाना बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है. आई डोंट नो लोग कैसे उसको लगा लेते हैं. इसकी जगह आप नोज स्ट्रिप्स वगैरह यूज कर सकते हैं या फिर आप जेंटल एक्सफोलिएटर यूज कर सकते हैं. मैं हमेशा स्पेशली अपनी फेस को एक्सफोलिएट ही करती हूँ. आप शुगर एंड कॉफी को मिक्स करके एक एक्सफोलिएटर तैयार कर सकते हैं एंड उससे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को टारगेट करें. तो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है बॉडी लोशन. आई नो ये बहुत ही कन्वीनियंट दिखता है आपको एज अ मॉइस्चराइजर, बट बॉडी लोशन का जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही अलग होता है फेस मॉइस्चराइजर से, एंड बॉडी लोशन एज अ मॉइस्चराइजर आपके फेस के लिए बहुत ही हैवी हो जाएगा, एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है देन इट्स अ बिग नो नो.
ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की जगह और ऑयली एंड ग्रीसी बना देगा एंड उसकी वजह से फिर आपको ब्रेकआउट्स भी हो जाएंगे। तो आप कभी भी बॉडी लोशन का एज अ फेस मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल भी मत लगाना। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है एंड इट डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड एट अटमोस्ट केयर। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड स्टे ब्यूटीफुल। Thank you.